जिस तरह से चाय बिना अदरक की अच्छी नहीं लगती, उसी तरह कचौड़ी, पकौड़ी और समोसा बिना टोमेटो केचप के बिना अच्छे नहीं लगते। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने, टोमेटो केचप जिसे खाना हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन क्या कभी आपने इसको खाते समय ये सोचा है कि आखिर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, क्या होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैसे टमाटर की हार्वेस्टिंग करके इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। तो फिर दोस्तों, अगर आप भी इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, टमाटो केचप का प्रोसेस शुरू होता है टमाटर के खेतों से, जहां पर सबसे पहले टमाटर की हार्वेस्टिंग करने के लिए वर्कर्स के द्वारा बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन्स को खेतों में लाया जाता है। मशीनों को लाने के बाद इन्हें उसी खेत में दौड़ाया जाता है जहां पर पेड़ों में टमाटर लगे हुए होते हैं। फिर ये मशीन उन टमाटर के पेड़ों को जमीन से उखाड़ कर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अंदर बने एक कंटेनर में भर देती है, और फिर अंदर लगी मशीन टमाटर और पेड़ों को अलग अलग करके टमाटर को दूसरे कंटेनर बॉक्स में इकट्ठा करती जाती है, और वो घास को दोबारा से जमीन पर ही छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। हम आपको बता दें, जब ये हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है तो ये ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन कच्चे और पके हुए टमाटर दोनों को ही अलग अलग स्टोर करते हैं। लेकिन इसी मशीन में लगे एक स्कैनर मशीन की वजह से सफेद और हरे टमाटर को अलग कर दिया जाता है, और सिर्फ जो पके हुए यानी कि लाल टमाटर होते हैं उन्हें ही एक दूसरे बॉक्स में स्टोर करते हैं, जिसके बाद उस पके हुए टमाटर से भरे पूरे कंटेनर को फैक्ट्री की ओर बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही ये कंटेनर फैक्ट्री में पहुंच जाता है, वैसे ही वहां पर मौजूद वर्कर्स सबसे पहले इन्हें एक पानी से भरे हुए कंटेनर में डालते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से साफ करते हैं। साफ करने के बाद डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इन्हें एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ पानी मौजूद रहता है। जैसे ही ये टमाटर उस उबलते हुए पानी में जाते हैं, वैसे ही इन टमाटरों का गलना शुरू हो जाता है। कुछ देर तक इन टमाटर को इन्हीं उबलते हुए पानी में ही रखा जाता है। जब टमाटर की ऊपरी लेयर पूरी तरीके से गल जाती है, तब इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू दूसरी तरफ भेजा जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन इन टमाटर के ऊपर लगी हुई लेयर्स को साफ करते हैं, और इसी दौरान वहां पर मौजूद वर्कर्स भी अपनी तिरछी नजर इन टमाटरों पर गड़ाए रहते हैं कि कहीं भी छिलके के सहित कोई टमाटर आगे की तरफ प्रोसीड ना हो जाए। जब टमाटर पूरी तरीके से छील दिया जाता है ना, तब एक बार फिर से इन्हें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है, और ये कन्वेयर बेल्ट इन टमाटरों को सीधा एक मिक्सचर जार में पहुंचाती है, जहां पर इन सभी टमाटर के पल्प को तैयार किया जाता है। टमाटर के सॉस को तैयार करते समय इसमें कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऑन किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऑन करते हैं जो कि इसके टेस्ट को लाजवाब बनाते हैं। जब ये टमाटो केचप पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब सबसे आखिरी प्रोसेस आता है और वो होता है टेस्टिंग का, जहां पर इसके टेस्ट को करने के लिए इस टमाटो केचप को एक फूड टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है, जहां पर इसके टेस्ट को अगर हरी झंडी दिखा दी जाती है, तब बारी आती है इसे पैक करने की। और पैक करने के लिए सबसे पहले इसी फैक्ट्री में दूसरी जगह पर इसकी बोतल को तैयार किया जाता है। वहां पर बोतल को तैयार करते समय इस पर कंपनी का लेबल भी लगाया जाता है। जब बोतल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तब इन बॉटल्स में केचप को फिल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में केचप को भरा जाता है, और फिर ये मशीन सेट किए गए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही उन सभी बोतलों में टोमेटो केचप को भरती जाती है। भरने के बाद उन सभी बोतलों को सील करके पैक कर दिया जाता है, और उन्हें बड़ी बड़ी ट्रकों पर लोड करके इन्हें किरानों की दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल्स में भेजा जाता है, जिसके बाद इन्हें हम और आप खरीद कर गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ इसका आनंद लेते हैं। वैसे दोस्तों, वीडियो में बताई गई ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।